नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक विषय हिंदी का छठा पाठ। इसमें उ की मात्रा पढ़ेंगे, छोटे उ की मात्रा। इसमें से हमने छोटे उ की मात्रा पढ़ी थी पहले, देखिए और समझिए। जैसे जामुन, गुलाब, मुर्गा, पुल, कुल, धुन, सुन, बुन, मधु। तो ये जो शब्द हमने पहले पढ़े थे, देखिए और समझिए, छोटे उ की मात्रा पढ़ी, फिर हमने पढ़ा पढ़िए और समझिए, फिर ये पढ़ा, फिर हमने नीचे बोल बोल कर पढ़िए। गुलाब की डाली पर एक बुलबुल आई। जैसे कि ये इसमें उ की मात्रा के शब्द है, तो ग के नीचे उ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, गुलाब की डाली पर एक, ब के नीचे उ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या, बू ल बुलबुल आई। उसका गीत मधुर था। तो जिसके नीचे उ की मात्रा, ये देखो अलग से जो हमें अलग से कलर में दिख रही है वो उ की मात्रा है। तो जहाँ पे उ की मात्रा आ रही है, वहाँ पे हम उ का उच्चारण करके उसको पढ़ेंगे। जैसे कि चय के नीचे उ की मात्रा, तो चू ल बू ली चुलबुली, बू ले बुलबुल, बहुत सुंदर थी, मुकुल बी चू चुपचाप, गुलाब तक चलता गया, वह बहुत खुश था। सुबह सुमित भी दातुन करता हुआ उधर आ गया, उसकी आवाज़ सुनकर बुलबुल फुर कर उड़ गई। फिर हमने अध्यापन संकेत, जिसमें उ की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, यानी कि दाई ओर से प्रारंभ होकर बाई ओर जाती है, जिसमें र में उ या बड़ा उ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे कि देखो र धन उ बराबर रू, तो बीच जहाँ पे भी र आता है उसमें जो उ की मात्रा है वो बीच में लगती है। यहाँ पे भी देखो छोटे उ की मात्रा और यहाँ पे बड़े उ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न इसके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना है हमें, बोल कर पढ़िए। सबसे पहले ग, ग के नीचे उ की मात्रा लगी हुई, तो क्या हो गया, ये गु। फिर ल के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, ला। फिर ब, गुलाब। फिर इसमें सेकंड ब के नीचे उ की मात्रा बू ल बुलबुल। फिर मधुर। सू, ये बिंदी लगी हुई है तो इसको न पढ़ेंगे, न द र सुंदर। दा तू न दातुन। सू बह सुबह। फुर। तो गुलाब, बुलबुल, मधुर, सुंदर, दातुन, सुबह, फुर। तो आपको बार बार उच्चारण करके इसका बोलना है मौखिक। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, वर्णों को मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। जो वर्ण हैं उनको मात्राओं के साथ जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। देखो कि प धन, फिर किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की। फिर धन, फिर जय, फिर धन, फिर आ की मात्रा लगी हुई है, फिर धन, फिर र, फिर ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो इसका इन वर्णों को मात्राओं से जोड़कर, मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो प के नीचे ऊ की मात्रा हो गई तो पू, फिर जय के नीचे आ की मात्रा हो गई तो जा, फिर र के नीचे ई की, र के पास में ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, री। तो मिलके शब्द कौन सा बना, पुजारी। तो आपको यहाँ पे पुजारी लिखना है। फिर सेकंड दूसरा वाला पढ़ेंगे, द धन, फिर आ की मात्रा है, फिर धन, फिर त, फिर धन, फिर ऊ की मात्रा है, फिर धन, फिर न। तो इसको भी इस प्रकार लिखना है, पहले द, फिर आ की मात्रा लगानी तो दा हो जाएगा, फिर तय लिखना है, तय के नीचे ऊ की मात्रा लगानी है तो ये क्या हो गया, तू। फिर लिखना है न, तो मिलके क्या हो गया, दातुन। तो आपको यहाँ पे लिखना है दातुन। फिर तीसरा शब्द पढ़ेंगे हम, स धन, उ धन, ब धन,
है। तो स के नीचे उ की मात्रा लगानी है, तो स के नीचे उ की मात्रा लगी तो क्या हो गया, सुबह है, सुबह है। तो आपको यहाँ पे सुबह है लिखना है। फिर नीचे वाला च धन, फिर उ की मात्रा लगी लिखी हुई है तो उ धन है धन, फिर ई की मात्रा है, फिर य, फिर धन, फिर आ, ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ये। तो चू ही या, चूहिया, तो चू लिखना है, चय के नीचे ऊ की मात्रा लगानी, फिर है के नीचे छोटी ई की मात्रा लगानी है के पास में, फिर या आ की मात्रा चूहिया। फिर दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखो वापस से बता रही हूँ, पहले वाले में पुजारी, दूसरे वाले में दातुन, तीसरे वाले में सुबह, चौथे वाले में चूहिया। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये उचित शब्द है, उसमें से चुन के हमें सही शब्द भरना है इसमें। क, वह बहुत खाली स्थान था, वह बहुत क्या थी, वह बहुत खुश था, तो आपको यहाँ लिखना है खुश, ठीक है। ख, खालिस्तान की डाली पर बुलबुल आई, किसकी डाली पर बुलबुल आई, गुलाब की डाली पर, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गुलाब, गुलाब की डाली पर बुलबुल आई। फिर ग लिखना है, बुलबुल का गीत खालिस्तान था, क्या था, मधुर, तो इसमें लिखना है मधुर, बुलबुल का गीत मधुर था। तो पहले में वह बहुत खुश था, गुलाब की डाली पर बुलबुल आई, बुलबुल का गीत मधुर था, तो आपको इस प्रकार लिखना है। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। यानी कि हमें इन चित्रों को देखकर शब्द पूरा करना है। देखो ये किसका चित्र दिख रहा है हमें, जुराब का, तो आपको क्या लिखना है, जुराब, जुराब लिखना है, जू तो लिखा हुआ है, रा ब, जुराब। फिर इसमें किसका चित्र दिख रहा है हमें, साबुन दिख रही है, तो साबुन का सा लिखा हुआ है, फिर ब के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बू और न, साबुन, तो मिलके क्या हो गया, साबुन लिखना है यहाँ पे। ये किसका चित्र दिख रहा है हमें, गुड़िया का, तो इसमें ग का गू यानी कि गुड़िया, तो गू लिखा हुआ तो डी या, गुड़िया, तो मिलके क्या हो गया, गुड़िया। तो पहले में जुराब, दूसरे वाले में साबुन और तीसरे वाले में गुड़िया। तो इस प्रकार आपको जो ये खालिस्तान है उसमें जो मैंने बताया है, जैसे कि पहले में पुजारी, ये वर्णों के साथ मात्राओं को जोड़ के लिखना है, तो इसमें पहले में पुजारी, फिर दातुन, फिर सुबह, फिर चूहिया, फिर उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें खुश, पहले वाले में खुश आएगा, फिर ख है उसमें आएगा गुलाब, फिर ग में आएगा मधुर, फिर नीचे वाले में जुराब, फिर साबुन और फिर गुड़िया। तो इस प्रकार हमने ऊ की मात्रा के आपको अभ्यास प्रश्न पढ़ करने हैं और बार बार ऊ की मात्रा का उच्चारण करना है ताकि आसानी से पढ़ पाएँ। जो जामुन, गुलाब, मुर्गा, इस प्रकार पढ़ना है आपको। धन्यवाद।